मातृत्व दिवस के अवसर पर बीएसएम ग्लोबल स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। मशरक मुन्नी मोड़ अवस्थित बीएसएम ग्लोबल स्कूल में मातृत्व दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को मां की सेवा करने के लिए उत्प्रेरित किया गया। सर्वप्रथम इस विद्यालय के डायरेक्टर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ऋतुराज सिंह ने उपस्थित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका अपनी माँ एवं चाची के साथ दीप प्रज्वलित कर केक काट कर मातृत्व दिवस मनाया। इस अवसर पर अधिवक्ता ऋतुराज सिंह ने मां के पैर को धोते हुए सेवा करने का काम किया है। इस अवसर पर विद्यालय में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं ने अपनी माता के पैर को धोते हुए सेवा करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के बच्चों को दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रूपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। संबोधित करते हुए ऋतुराज सिंह ने कहा है कि माँ का स्थान सबसे ऊंचा स्थान होता है। माँ से बढ़कर कोई भी शुभचिंतक या चिंतक नहीं हो सकता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कुमाता कभी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि हम सभी को अपने माँ बाप की सेवा सदैव करते रहना चाहिए। दुनिया के सभी देवी देवता अपनी माँ बाप में विराजमान है। माँ की सेवा से बढ़कर कोई सेवा अनिवार्य नहीं होती है। विद्यालय के प्राचार्य शांति सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एक माँ के बिना जिंदगी अधूरी है। चाहे एक छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग, सभी के लिए माँ तो माँ होती है। माँ का स्थान कभी दूसरा नहीं ले सकता है। आपको बताते चले, मशरक मुन्नी मोड़ अवस्थित बीएसएम ग्लोबल स्कूल में मातृत्व दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को माँ की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। हाँ, देखिए कल मदर्स डे है और आज का जो दिन शनिवार के दिन इस मदर्स डे को बीएसएम ग्लोबल स्कूल में मनाया जा रहा है। और यह दिन बस इसलिए मनाया जा रहा है कि जो माएँ अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के पीछे उनका भविष्य सुधारने के लिए न्यौछावर करती हैं, एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन जिस दिन उनको सम्मान दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है। और शब्दों में जितना भी बयां किया जाए कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो एक एक बच्चे को यह शिक्षा मिले कि अपनी माँ के लिए वो क्या खास कर सकता है। बहुत कुछ ऐसी है जो माएँ अपने बच्चों को बताती नहीं है। सब कुछ त्याग बलिदान की मूर्ति अगर कहा जाए, अगर ईश्वर का रूप कहा जाए इस धरती पर, तो माँ को दिया जा सकता है। क्योंकि जीवन की जननी किसी और को प्रकृति ने यह दिन नहीं दिया है, सिर्फ माँ को दिया है। तो मैं यह कार्यक्रम बस इसलिए है कि माओं को खास दिखाया जा सके और बच्चों को यह सिखाया जा सके कि आपकी माँ अगर घर में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, आपके लिए छोटे छोटे जगहों पर आपके लिए खड़ी हो रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके लिए बहुत कम कर रही हैं। उन्होंने जो त्याग किया है आपके जीवन के लिए, शायद ही आप किसी और के लिए कर पाएं इस दिन के लिए। और सारी माओं को मैं शुभकामनाएं दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके त्याग और बलिदान की मूर्ति को, आपके रूप को हम ईश्वर की तुलना में रख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Watching this program, as we all know, we are here to celebrate Mother's Day. Mother's Day should not only be celebrated on one single day, it should be celebrated every day. We are celebrating this today, there is some reason. We want to make you understand that what is the importance of mother. Ek maa ke bina zindagi kuch nahi hai, maa hai to sab kuch hai. चाहे वो एक छोटे बच्चे के लिए हो, चाहे वो एक बूढ़े के लिए, माँ का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। सिमिलरली वी हैव गैदर्ड हियर टू मेक आवर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, सो दैट वो रेस्पेक्ट जो एक माँ डिजर्व करती है उन्हें वो आज समझ में आए। उन्हें ये समझाना भी ज़रूरी है क्योंकि आज के बच्चे थोड़ा डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं अपने माँ बाप से। सो वी आर हियर टू मेक देम अंडरस्टैंड, टीच देम, टू गिव देम नॉलेज अबाउट वॉट मदर्स आर and how they are supposed to be treated. So here is a short glimpse you can see here in the school. We have organized a Mother's Day जहाँ पे हमने अपने बच्चों से सारी माताओं के पैर धुलवाए हैं, ताकि क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ का हमेशा कर्जदार होता है। They can never ever give the love what mothers give us back. So similarly, we are just trying a small initiative to make our students aware what mothers are. We wish each and everyone a very happy Mother's Day. शिक्षित माताओं के लिए क्या संदेश दोगे? शिक्षित माताओं के लिए अशिक्षित, जिसपे यहाँ शिक्षा नहीं है, माँ कभी शिक्षित या अशिक्षित नहीं होती है। मैं मेरा ये मानना है, आप चाहे माँ क्लास 2 तक पढ़ी हो, चाहे वो 10 तक पढ़ी हो, चाहे वो PhD हो, माँ का
जो यू कैन से दैट व्हाट मदर्स कैन गिव नो वन एल्स कैन. तो एक माँ को लिटरेसी से हम नहीं कंपेयर कर सकते. माँ जिस दिन वो एक औरत माँ बनती है उसी दिन उनके अंदर भगवान ये शक्ति दे देते हैं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके हर शिक्षा चाहे हर क्षेत्र में आयल से. एंड आजकल कुछ माँ जैसे आज की माएँ हैं, मेरी माँ ने भी मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक आज खड़ा किया है. तो अभी भी कुछ माएँ ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला है. डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट देम आगे बढ़िए अपने बच्चे के लिए एंड मेक श्योर आपका बच्चा इतना आगे बढ़े आप उन्हें ये कॉन्फिडेंस दे. भले बच्चा कम नंबर लाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दे ताकि बच्चा आगे जाके बोले कि मैं इस माँ का बेटा हूँ. सो ये कॉन्फिडेंस मैं चाहूँगी सारी माएँ के पास रहे. आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शांति सिंह है, मैं प्रिंसिपल BSN ग्लोबल स्कूल. दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास. दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार. दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम. चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा. नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000. अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले. धन्यवाद.